Assalamu alaikum. I hope you are all fine and doing well. Today in this tutorial, we are going to discuss some important settings of Google Classroom, and we are going to upload the papers of the test series that will start from the 26th of December. So, first of all, you will have to log in with your account, and after that, you will go to the classroom. So your all classes are in front of you. So first, you have to upload the paper in each and every section of the class. As I am taking class 10th, so when the paper of computer will come, the paper of computer is on 30th of December. So I will have to upload the paper in all the classes of 10th. Passport, I am taking class 10th C, 10th A and 10th A boys. So I will upload the papers 3 times in all the sections. So ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपके पास पेपर जो है कंप्यूटर का है, बायो का है, इंग्लिश का है, आप जितने भी सेक्शन दे रहे हैं उन सब में आपने पेपर अपलोड करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? क्योंकि उस क्लास को सेक्शन को आप ही पढ़ाते हैं, तो पेपर आपके अकाउंट से उस सेक्शन में जाएगा, कोई और पेपर अपलोड नहीं कर पाता उसमें नहीं कर सकता। तो ये हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पता हो कि वो कौन से सेक्शन ले रहे हैं और किस किस के उसने अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं और वो क्लासेस उन सेक्शन में पेपर को अपलोड करें, ठीक है? तो ये चीज़ होगी। इसके बाद चलते हैं क्लास पे, देखते हैं। तो मैं डेमो क्लास में पेपर अपलोड कर रहा हूँ। हम सीखेंगे इसमें कि टाइम सेटिंग और उसके स्केड्यूल कैसे करना है, ताकि पेपर आपका उसी डेट को बच्चों के सामने डिस्प्ले होगा, उससे पहले वो डिस्प्ले नहीं होगा। और हम उसमें टाइम सेटिंग में देखेंगे कि टाइम कितना रखना है और कैसे रखना है। और इसके अलावा जो सबसे पहले मैं सेटिंग लास्ट टाइम भी बताया था कि सेटिंग करते हुए तो आपने क्या करना है कि पेपर को कि ऑटो हाइड भी करना है हमने, ताकि 20 मिनट या 30 मिनट के बाद पेपर आपका ऑटो हाइड हो जाए, ताकि बच्चे उसको बाद में बच्चे उसको बाद में सबमिट ना कर पाएँ। ठीक, हाइड तो ऐसे नहीं होगा, हाइड तो तभी होगा जब आप उसको डिलीट कर देंगे अपने अकाउंट से। तो हम ये करेंगे कि उस पर सिक्योरिटी लगा देंगे कि बच्चे उस पर्टिकुलर टाइम के बाद पेपर अपलोड नहीं कर पाएंगे हमारे इस गूगल क्लासरूम पे, ठीक है? तो वो भी हम देखते हैं इसमें। अभी सबसे पहले आप मेक श्योर कर लें आपके पास जो पेपर वाली टैब है इसमें टॉप पे, इस पेपर वाली टैब में आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे शो हो रहे हैं पास को ये पेपर, ठीक है? इसमें आपने देखना है कि अब ये मेरा अकाउंट है मोहम्मद नवीद अंजुम, तो इसमें स्टूडेंट कितने हैं, एक ही स्टूडेंट है डेमो स्टूडेंट। अब ये क्लास कौन सी है, डेमो क्लास है, तो इसमें एक ही स्टूडेंट होगा, बाकी मेरी क्लासेज जो हैं उसमें काफ़ी स्टूडेंट आ चुके हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास सारे स्टूडेंट्स आपके आ चुके हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स को इनक्रेज करें, उनको फोर्स करें कि वो क्लासेस को ज्वाइन करें, ताकि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो हमारी अचीव हो सके। तो चलिए पेपर को अपलोड करते हैं। तो पेपर को अपलोड करने से पहले आपको दो तीन बातें बतानी है कि आपने MCQs का पेपर अलग अपलोड करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अपलोड करना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अपलोड करना है, ठीक है? मतलब आपने दो फाइलें बनानी है, एक में ऑब्जेक्टिव MCQs होंगे सारे आपके और एक में आपका सब्जेक्टिव जिसमें आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है? और एक तीसरी फाइल भी हम अपलोड करेंगे साथ में, वो आपकी होगी OMR शीट की फाइल, ठीक है? अब बच्चों के लिए गाइडलाइन मैं उनको बता दूंगी उन्हें कैसे उसको सॉल्व करना है, ये टीचर्स के लिए है। तो हम देखते हैं कि इसमें पेपर को अपलोड कैसे करना है। तो क्रिएट थी क्लास वर्क में जाके क्रिएट करना है, क्रिएट में आपने क्रिएट करनी है असाइनमेंट, ठीक है? असाइनमेंट में आपने सबसे पहले टाइटल देना है, टाइटल में दे देता हूँ पासपोर्ट MCQs, जो पहली चीज़ अपलोड करने वाला हूँ वो है MCQs, ठीक है? MCQs पेपर अपलोड करने वाला हूँ। तो इसमें आप इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं लेट सबमिशन नॉट अलाउड, लेट सबमिशन ऑफ पेपर इज नॉट अलाउड, ठीक है? ये आप जो मर्जी मैसेजेस में देंगे वो आपके क्लास को डिस्प्ले होगा। अब इसमें इसके पॉइंट्स देंगे आप कि कितने मार्क्स का ये पेपर होगा, MCQ का पेपर कितने मार्क्स का होगा वो आप देंगे पॉइंट्स। तो मेरा जो MCQ का पेपर है 6 मार्क्स का है, तो मैं 6 इसको दूंगा। अब इसके बाद
आपने ड्यू डेट देंगे, मेरा पेपर है 30 को और 30 ही इसकी ड्यू डेट होगी, तो मैं ड्यू डेट कर देता हूँ 30 दिसंबर। तो ये मैं अपने हिसाब से सेटिंग कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपका पेपर किस डेट को है, उस डेट को आपने इसकी सेटिंग करनी है। 30 दिसंबर 2020 का पेपर पहला। अब इसमें टाइम आप देखेंगे, टाइम आपका जो MCQs का पेपर है ये, क्योंकि मैं MCQs अपलोड करूँगा यहाँ पे, तो MCQs का पेपर जो है वो आपका स्टार्ट होगा 10 o'clock, ठीक है, 10 o'clock स्टार्ट होगा। तो अब ये बच्चों के पास 10 o'clock शो होगा, ठीक है। अब इसमें देखें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे PM है, तो इसको PM को ख़त्म करके आपने करना है AM, ठीक है। P को डिलीट कर दें, इसको कर दें A, यहाँ पे कैपिटल A लिख दीजिएगा, यहाँ पे ये 10 AM हो जाएगा, ओके। अब इसमें देखें शो हो रहा है 30 दिसंबर वेनसडे 10 AM। अब टॉपिक में आपने लिखना है, क्योंकि ये हमारा phase 1 test 1 है, तो क्रिएट कर देंगे टॉपिक नया, हम इसमें लिख देंगे टॉपिक में phase 1 test 1, phase 1 test 1। अब इसके बाद आप इसमें अपनी फाइल्स को अपलोड करेंगे, जो आपकी MCQs की फाइल हैं, तो मैं इसमें ऐड करूँगा यहाँ से, ठीक है। ऐड पर क्लिक करना है आपने, ऐड पे आके आपने फाइल्स को अपलोड करना है, ये आपकी फाइल, ठीक है, अटैच फाइल। अब यहाँ से अपनी फाइल को आप ब्राउज करेंगे, आपकी फाइल जिस लोकेशन पे सेव होगी, तो ब्राउज किया, ब्राउज में मेरी फाइल, मेरे पास दोनों पेपर ये फोल्डर में सेव है। मैंने आप भी ऐसे कीजिएगा कि अपनी तीनों फाइल्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एंड OMR शीट को एक ही फोल्डर में सेव कर लीजिएगा, ताकि अपलोड करते हुए आपको ढूंढने में मसला ना हो। तो मैंने सेव किया इन तीनों को, डेमो पेपर इसमें, तो इसमें आप देखें मैंने क्या क्या अपलोड करना है। इसमें पहले OMR शीट अपलोड करनी है, ठीक है, तो OMR शीट एंड साथ में MCQ, तो दोनों सेट कर लेते हैं, MCQ पेपर और OMR शीट। तो ये ओपन फाइल, इट विल टेक टाइम डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फाइल टू अपलोड। MCQ पेपर एंड OMR शीट, ये आपकी दो फाइल इसमें अपलोड हो गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें सेटिंग करनी है कि बच्चे इसको किस टाइम तक अपलोड, मतलब सॉल्व करके अपलोड कर सकते हैं इसकी आंसर। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे असाइन, लिखा हुआ है तो हम इसको असाइन नहीं करेंगे, स्केड्यूल पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके स्केड्यूल लिखा हुआ है, सेकंड नंबर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन असाइन, हम करेंगे स्केड्यूल, ठीक है। तो हम असाइन इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि आप हर टीचर, मतलब जैसे मैं हूँ कंप्यूटर टीचर, तो मैं 3 सेक्शन लेता क्लास 10th के, तो मैं तीनों को जल्दी फौरन से असाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मे भी टाइम लग जाए आपका। तो बेटर यही है कि हम इसको स्केड्यूल कर लें, पहले आप आज ही पेपर आप जो आपने बना लिए हैं वो रीचेक करवा के, ठीक है, कंसर्न टीचर से या कंसर्न आपके कोऑर्डिनेटर से और साथ में साथ साजिद से, वो रीचेक करवा के आप उसको आज ही स्केड्यूल कर सकते हैं, ओके। अब इसमें जो स्केड्यूल असाइन, स्केड्यूल में आपने क्या करना है, आप इसमें थर्ड आप इसमें क्या लिखेंगे कि आप ये असाइनमेंट किस डेट को स्केड्यूल, ओके। इसमें एक चीज़ मिस्टेक हो गई मुझसे कि जो ड्यू डेट थी ना, ड्यू टाइम, तो ड्यू टाइम में आपने थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि 30 दिसंबर है, ड्यू टाइम मेरा होगा 10:30 का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा करने में, मुझसे मिस्टेक हुई है, तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, 10:30, ठीक है, 10:30 क्यों, क्योंकि 20 मिनट MCQs के सॉल्व करने के और 10 मिनट बच्चों को हम दे रहे हैं उसको अपलोड करने के लिए, ठीक है। 30 दिसंबर 2020 10:30 तक इस बच्चे इसके आंसर को अपलोड कर सकते हैं ड्यू, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे स्केड्यूल, तो स्केड्यूल में हम करेंगे इसको कि किस डेट को बच्चों के अकाउंट में जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ 24 दिसंबर, तो हम 24 दिसंबर को नहीं करेंगे, इसको करेंगे स्केड्यूल 26 को ही, ठीक है, 30 को, कि 30 को ये बच्चों की गाइडी में शो होगा। उसके बाद ठीक है 30 को ये किस टाइम पे शो होगा, 10 o'clock पे, ठीक है, 10 o'clock, 10:00, ठीक है, 1:00, और ये 10 AM पे बच्चों के अकाउंट में शो होगा, इसको आप स्केड्यूल कर दें, ठीक है। अब ये स्केड्यूल्ड है, ठीक है, स्केड्यूल्ड फॉर दिसंबर 10 AM पे ये बच्चों की आईडी में शो होगा, MCQs phase 1 test 1 टॉपिक का नाम। तो अब
MCQs अपलोड हो गए। अब इसमें हमने अपलोड करने हैं साथ में, अब इसमें देखिएगा MCQ से जब खोलेंगे इसको, टॉपिक इसका टाइटल MCQs है, लेकिन इसमें दो फाइलें शो होंगी, MCQs पेपर और साथ में OMR शीट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने अपलोड करने हैं सब्जेक्टिव पेपर, तो वो भी स्केड्यूल करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऐसे ही स्केड्यूल करने हैं। अब इसमें आप लिखेंगे टाइटल में सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शन में फिर वही लेट सबमिशन, ठीक है। आप अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, लेट सबमिशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है। आप इसमें साथ लिख दें फाइनल टाइम, ठीक है, वो आपके आपका जो टाइम है वो कब तक आपका ये पेपर हम बच्चे सबमिट कर सकते हैं, तो वो आप लिख दीजिए। अच्छा, लेट सबमिशन इज नॉट अलाउड। अब इसके बाद आपने यहाँ पे फाइल ऐड कर देनी है, जो आपके सब्जेक्टिव की फाइल होगी आप इसको ऐड कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें ये फाइल और ये ब्राउज। अब इसमें सब्जेक्टिव पेपर ये मेरी फाइल यहाँ पे पड़ी है, इसको माफ कर देता हूँ, ये देखिए सब्जेक्टिव पेपर आ गया। इसमें इसके पॉइंट्स देना, तो मेरे ऑब्जेक्टिव थे 6 नंबर के, तो मेरा सब्जेक्टिव जो पेपर है वो है 22 नंबर का, ठीक है, 22 का है सब्जेक्टिव पेपर मेरा, तो टोटल मेरे 28 मार्क्स हो गए। एक्चुअली मेरे जो सब्जेक्टिव मार्क्स थे वो 55, तो मैंने इसको 28 कर दिया राउंड ऑफ करके, 27.5 बन दिया, लेकिन मैंने राउंड ऑफ करके इसको 28 कर दिया, ठीक। इसके बाद आपने ड्यू डेट बतानी है कि क्या ड्यू डेट होगी इसकी। ड्यू डेट हम रखते हैं इसकी 30, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की भी 30 थी, तो इसकी भी 30 ही होगी, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव की डेट ड्यू है वही सब्जेक्टिव की डेट ड्यू होगी। अब इसके बाद टाइम, अब आप देखिए कि बच्चे 10:30 तक तो कर देते ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 10:30 तक, तो हमने इसके लिए अब सब्जेक्टिव पार्ट के लिए रखना है 1.5 आवर, ठीक है, 1.5 आवर, तो मतलब कब तक जाएगा, 10:30 से लेके ये 12 o'clock हो जाएगा, ठीक है। बच्चे 12 o'clock तक पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब 12 o'clock, तो 12 o'clock के बाद 10 मिनट हम दे रहे हैं उनको इसको अपलोड करने के लिए, तो ड्यू हम कर देते हैं 12:10, ठीक है, 12:10। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि ये आपका PM ही रहेगा, क्योंकि दिन के 12 बजे के बाद आपका PM स्टार्ट हो जाता है, तो ये PM ही रहेगा, ठीक है। इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, AM और PM में कोई मसला ना कीजिएगा, इसमें इशू हुआ तो आप लोग खुद ही अपने रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर रहा हूँ, अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी होगी तो आप हमारे IT टीचर्स हैं, राना साहब हैं और नासिर साहब हैं, उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैं भी आपकी हेल्प के लिए मौजूद हूँ, ठीक है। ओके, अब देखें फिर बता देता हूँ आपको कि 10 o'clock से लेके 10:20 तक था MCQs का टाइम, उसके बाद 10 मिनट थे उनको अपलोड करने के लिए, 10:30 हो गए, 10:30 के बाद 10:30 पे आपको ये MCQs ये सब्जेक्ट पेपर शो होगा, 10:30 के बाद 1.5 आवर को सॉल्व करने के लिए कितना हो गया, ये 10:30 से 1.5 आवर ये हो गया आपका 12 o'clock, 12 o'clock के बाद 10 मिनट्स आपके हैं इसको अपलोड करने के लिए, तो 12:10 PM तक, ठीक है, ये अब हो गया आपके पास, इसको आप करेंगे ओके 12:10 PM। अब इसके बाद टॉपिक, टॉपिक आपने वही रखना है जो आपने पहले वाले का रखा था, तो मैं यही टॉपिक मेरे यहाँ से नीचे आ गया, मैं इसको करूँगा पेज 1 टेस्ट 1, इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, सेलेक्ट किया, अब इसके बाद आपका आपने फिर चेक कर लेना, अगेन रीचेक कर लीजिएगा कि आपके पॉइंट्स पूरे लिखे हैं आपने, 22 + 6 = 28, 6 थे MCQs के, 22 इसके। इसके बाद ये फिर चेक कर लें आप 30 दिसंबर वेनसडे, तो उसका ड्यू टाइम है 12:10 तक, ठीक है। अब इसके बाद फेज 1 टेस्ट 1, उसके बाद आपने जाना है स्केड्यूल पे, यहाँ से फिर वैसे ही स्केड्यूल, स्केड्यूल पे क्लिक किया, आप स्केड्यूल करेंगे कब से, 20 जो आपका है 30 दिसंबर को, ठीक है, 30 दिसंबर को। तो टाइम क्या होगा इसका, मतलब किस टाइम ये बच्चा कोर्ट में जाएगा, इस पर अब आपने आना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पर आप रखेंगे 10:30 पे ये बच्चों का शो होगा, 10:30 AM, यहाँ पे आपका AM ही रहेगा, ठीक है। काइंडली इस AM और PM का ध्यान रखिएगा, इसमें कोई इशू ना कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे मतलब बच्चे भी कंफ्यूज होंगे, मतलब उनके अकाउंट में नहीं जाएगा पेपर टाइम से, तो इसका ध्यान रखना आपने AM और PM का, ठीक है। 30 दिसंबर 2020
और 10:30 पे उनके अकाउंट में ये सब्जेक्टिव पेपर शो होगा, इसको कहते हैं स्केड्यूल। ओके पेपर हैज बीन स्केड्यूल्ड, तो पेपर स्केड्यूल हो चुका है। ठीक है, अब इसमें सेटिंग जो सबसे मेन चीज है कि लेट सबमिशन हम चाह रहे हैं कि बच्चे लेट सबमिशन ना कर पाए, उनको लेट सबमिशन अलाउ ना हो। ठीक है, मतलब 10:30 के बाद कोई बच्चे एमसीक्यूज अपलोड करने की ट्राई करेगा वो अपलोड नहीं कर सकेगा। इस तरह 12:10 के बाद कोई बच्चा सब्जेक्टिव पेपर अपलोड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं, अगेन चेक कर लेते हैं सेटिंग में जाके। ठीक है, ये सेटिंग आपके सबसे बॉटम पे है, सेटिंग इस पर क्लिक करना है आपने। सेटिंग में जाने के बाद आपके पास अक्सर ये होते हैं नीचे वाले ऑप्शन शो नहीं हो रहे होते। ठीक है, टीचर की कंप्लेन आती है कि मतलब कि नीचे वाले इसमें ये वाले बॉटम वाले ऑप्शन शो नहीं हो रहे, तो उसका क्या इशू होता है कि आपकी ये जो ईमेल है इसको आपने डिसेबल किया होता है। ठीक है, ईमेल नोटिफिकेशन डिसेबल ना कीजिएगा, इसको इनेबल कीजिएगा। इनेबल कर अगर ये डिसेबल होंगे तो आपको कोई नीचे ऑप्शन शो नहीं होगा। ठीक है, इसको करना है इनेबल। तो इनेबल करने के बाद आप देखेंगे कि आप क्लासेस जो टीच जिस क्लास को आप पढ़ाते हैं उसमें आपने क्या सेटिंग करनी है, लेट सबमिशन ऑफ स्टूडेंट वर्क इसको आपने ऑफ कर देना है कि लेट सबमिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, उसके बाद री सबमिशन ऑफ स्टूडेंट वर्क कि स्टूडेंट ने एक दफ़ा डाटा सबमिट कर दिया, पेपर सबमिट कर दिया, उसके बाद वो री सबमिट भी नहीं कर सकते, इसको भी आपको ऑफ कर देना है। तो ये सारी सेटिंग्स थी जो आपने करनी है। अब आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो पेपर एक क्लास में अपलोड किया है वही सारी सेक्शन में अपलोड करना है। ठीक है, अब क्लास वर्क में देखें, क्लास वर्क में मेरा ये सब्जेक्टिव भी आ रहा है, एमसीक्यूज भी आ रहा है। अब सब्जेक्टिव को अच्छा आप इसमें इसको आप अरेंज कर दें। ठीक है, इसको आप अरेंज कर दें कि एमसीक्यूज ऊपर चला जाए और सब्जेक्टिव नीचे आ जाए, तो इसको आप करेंगे मूव अप। ठीक है, ये तीन एरो तीन डॉट्स हैं, इन तीन डॉट्स पर क्लिक करेंगे, इसको आप करेंगे मूव अप। मूव अप करेंगे तो आपके एमसीक्यूज ऊपर चला गया और सब्जेक्टिव पोर्शन नीचे आ गया। ठीक है, फिर इसको रिफ्रेश कर लें, चेक कर लें अगेन। तो मैं क्लास में जाकर डेमो क्लास पर क्लिक करता हूँ, क्लास वर्क। तो आप देखें आप सब्जेक्टिव ऊपर है, सब्जेक्टिव पोर्शन नीचे है। सब्जेक्टिव का ड्यू टाइम क्या है, ड्यू जो स्केड्यूल्ड है क्या 10:00 पे 30 दिसंबर को, सब्जेक्टिव है स्केड्यूल 10:30 पे 30 दिसंबर को। ओके, तो ये चीज़ें सेटिंग है। ड्यू डेट देखें आप, ड्यू डेट सामने शो दिया आपको कि 10:30 इसकी ड्यू डेट है और ये 10:00 पे बच्चों को शो होगा। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसके बाद तो फिर ये नीचे आ गया, तो काइंडली मूव अप टू जाने दीजिए इसको, कभी नीचे ना हो आपका इसको कर देता हूँ। तो ये देखिए एमसीक्यू ऊपर सब्जेक्टिव नीचे। तो अब इसमें सब्जेक्टिव में देखें आपके पास, सब्जेक्टिव में आप सब्जेक्टिव का स्केड्यूल टाइम है 10:30 पे 30 दिसंबर, ड्यू डेट है 30 दिसंबर 12:10 PM। ओके, बस यही कुछ सेटिंग थी जो आपको बतानी थी, आपको गाइड करना था। आपको कोई क्वेश्चन हो आप हमारे आईटी टीचर से पूछ सकते हैं, नासिर साहब, राना साहब, साथ में मैं भी हूँ आपकी हेल्प के लिए। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न एनी क्यूरी यू कैन आस्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।